शक्कर डाल दीजिए, छान के आधा कप पी लीजिए। अभी आपने जो ट्रीटमेंट लिया 2 घंटे का हमारा, उस ट्रीटमेंट में आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले क्या प्रॉब्लम था? पहले सर्दी होने से, सर्दी के बाद बहुत कान कान बंद हो जाता था, स्वेलिंग आ जाती थी और कान बंद हो जाता था। अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, सुनने में भी एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर, हमारी ये वारंटी हमेशा खड़ी रहती है, चिंता मत करिएगा, हमारे टच में रहिएगा, ठीक है? हाँ हर्षिता, हेलो हेलो हर्षिता, कैसी हो? एकदम ठीक है, जोर से बोलो। अभी सुनने में तकलीफ खत्म हो गई? हाँ, कान खुल गया, नॉर्मल हो गया एकदम? अभी पंचर मत करवाना, बार बार पंचर करवाती थी ना, सर्दी हो गई है, वो कुछ ही नहीं होता है। सर्दी का दवाई भी दे दिया है और इसका भी दे दिया है, और सुनाई भी दे रहा अच्छा, उल्टा तुम्हारा इम्यून पावर बढ़िया है, समझ गई? डोंट वरी, केला और शहद ज़्यादा खाना है, ठीक है ना? और कुछ पूछना है आपको? उकाली वाला अब बता देंगे, और बता उकाली फिर से लिख के दे देंगे आपको, चिंता मत करिए। बाकी आपको अच्छा है, चिंता मत करना। और क्या कहना है? आप बहुत लंबे से इतने आए पुणे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, यू आर नाइस, यू आर एजुकेटेड और अच्छी लड़की हो। देखो सचमुच तो तुम्हारा इम्यून पावर बढ़ गया है, इसके लिए वो तुम्हारा बंद होता है। मैं सिस्टम समझाता हूँ, हुआ क्या है कि जब भी, क्योंकि तुम्हारे हाई वो जो थायराइड है ना, वो उसके कारण से तुम्हारी जो गोली जाती है ना, वो मैच ही नहीं होने से उस दिन जब हाइपर हो जाती हो तब कान बंद हो जाता है, नॉर्मल होने फिर ठीक हो जाता है। गोली के साथ में रिलेशन है, चेक करवा लेना, ठीक है? अभी तो सुनने में अच्छा है ना, दवाई डाल देना, चिंता मत कर। पतले होने की सर सुनिए, इसकी हमारे हिसाब से क्या पकड़ है मालूम है? थायराइड की गोली के साथ में कान बंद होने का संबंध है, तो ध्यान रखिएगा, ओवरडोज नहीं हो जाए, कमती ना हो जाए, कमती होगा माथा नहीं आएगा इसमें। मैं क्या कह रहा हूँ, गोली के बारे में चिंता मत करो। आपको कितने वर्षों से प्रॉब्लम है? तीन साल से प्रॉब्लम है थायराइड का, बाकी बचपन से आप पतली दुबली हो, पर आप पर्सनालिटी तो अच्छी है, वीडियो तो बहुत बढ़िया।